यार वासे ये तू क्या कर रहा है यार? मोहब्बत की राह में एक और दीवार को आज फैलांगने जा रहा हूँ। बस दुआ मांग मेरे दोस्त, दूसरी साइड पे कोई कुत्ता ना हो। और हाँ बात सुन, बात सुन मेरी। उसके बाप के लौटने और चौकीदार का खाना खत्म होने से पहले आ जाइए, वरना वो दोनों तेरा बर्गर बना देंगे। हाँ जा अपने हवाले, जा 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 आराम से, आराम से। ओए गाड़ी आ रही, मैं तो निकलूं। जी साहब जी। तुमने कुछ सुना? नहीं साहब जी। तुम लेडी गागा के गाने सुनते रहे? घर में कोई है? कौन है साहब जी? बिन बुलाया मेहमान। ये शादी का घर है और डाकू ऐसे घरों की तलाश में रहते हैं, जैसे कोई अजनबी नजर आए फोन के रख दो उसको, फोन के रख दो। जी साहब, वरना तुम्हारी बारी होगी। ले जाने आया हूँ। कहाँ? इस मनहूस शादी के जोड़े से दूर। मेरी माँ का शादी का जोड़ा है। सॉरी। तुम जानते हो ना, अम्मी की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि मैं अपने खाला के बेटे से शादी करूँ। तुम्हारी अम्मी को मरते वक्त भी अपनी बहन का ख्याल था और अब्बा से वादा भी लिया था, और अब्बा इस वादे के खिलाफ ही कभी नहीं कर सकते, उनकी इज्जत का सवाल है। तो मैं उनकी इज्जत को अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, इसमें उनकी बेइज्जती कैसे है यार? क्योंकि तुम मेरी खाला के बेटे नहीं हो। देखो मेरा दिल टूट जाएगा, मैं क्या करूंगा, दोबारा कोई प्यार नहीं कर सकूंगा। तो पहले क्यों नहीं मांगा मेरे अब्बा से मेरा हाथ? मुझे डर था कि मैं हाथ मांगूंगा तो वो हाथ छोड़ देंगे। मेरी खातिर तीन चार चमाटे नहीं खा सकते थे? तीन चार चमाटों की बात तो खा भी लेता, वो मेरी हड्डियां तोड़ देते। टूटी हुई हड्डियां जुड़ सकती हैं दोबारा, लेकिन एक बार दिल टूट जाए ना तो वो दोबारा नहीं जुड़ सकता। तुमने कुछ देखा? हम नहीं देखी साहब। तो क्या पश्तो फिल्में देखता ना? जाओ पीछे जाके देखो। तो पीछे कोई नहीं है साहब। तुम्हारे पीछे नहीं, उधर पीछे जाके देखो। जी सर। चले कहाँ?
तुम यहाँ शायद मुझे लेने आए थे? हाँ, लेकिन तुम्हारे अब्बा नीचे फिर रहे हैं और उनके हाथ में वो बंदूक भी है। तो ऐसा करते हैं, भाग चलते हैं। नहीं नहीं, बदनामी होगी। बदनामी से मुझे डर नहीं लगता। और सच्ची, ये सीधी सादी मोहब्बत और स्ट्रेट फॉरवर्ड वेडिंग्स, इट्स अ मिड 90s, यू नो। और वैसे भी प्यार करने वाले कई दफा भाग चुके हैं, तो हम भी भाग चलते हैं। इट बी सो कूल वासे। और हम पकड़े गए ना, तो पहले हम डेड होंगे और फिर कूल। देखो, मुझे मौत से डर नहीं लगता। देखो, मुझे लगता है। तुम्हारी मौत से डर लगता है मुझे। अगर तुम के मर मरा गई तो मैं तो सब कुछ हार जाऊंगा ना। अगर हार से तुम्हें इतना डर लगता है, तो फिर ये मोहब्बत का मुश्किल गेम खेलने की क्या जरूरत थी? प्लीज, तुमसे कुछ नहीं होगा, जाओ यहां से और भूल जाओ कि तुम कभी इस कमरे में भी आए थे। लेकिन क्या तुम भूल सकोगी कि मैं तुम्हारे दिल में भी था कभी? हाँ, जब मेरे 3-4 बच्चे हो जाएंगे ना, तो फिर मुझे याद भी नहीं रहेगा कि तुम थे कौन। देखो, तुम अपने डैडी को खुद मना लो ना भाई। अगर मना सकती तो रोहान से शादी ना कर रही होती। वासे, यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। प्लीज यहां से चले जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। एंड आई रियली मीन इट। ठीक है। वासे, ये तुम क्या कर रहे हो? एटर्निटी तानिया, ये खुशबू मैं कभी भुला नहीं सकूंगा। इस जोड़े को पहनकर तुम कितनी हसीन लगोगी। किसी और को, किसी और के लिए। वासे, छोड़ो इसे प्लीज। जिस तरह तुमने मुझे छोड़ दिया ना, मैं भी इसे छोड़ता हूँ, तार तार करके। नहीं छोड़ूंगा। वासे, छोड़ो इसे, ये मेरी अम्मी की शादी का जोड़ा है। सॉरी। तानिया, दरवाजा खोलो। चौकीदार। जी डैड। किसकी आवाज थी? डैड, टीवी की। टीवी तो बंद है। अब लाइट चली गई। ये अगरबत्तियां जल रही हैं, लाइट तो है। डैड, चैनल की लाइट चली गई। डैड, प्लीज रिलैक्स। ये आप गन क्यों ले आए? यू नो आई हेट गन्स। डोंट वरी बेटा, बस तुम्हारी शादी हो जाए, इसके बाद मैं और ये मेरी बंदूक दोनों रिटायर हो जाएंगे। ये महीना हम पर जरा भारी है। डाकू और डकैत शादी के घरों की तलाश में रहते ही हैं। तुम मेरी अकलौती औलाद हो, तुम्हारी शादी हो जाए, इसके बाद मैं चैन की नींद सोऊंगा। डैड, एक लड़का है, वो मुझे प्रपोज करना चाहता है, आपसे मिलकर मुझसे शादी करना चाहता है। तुमने उसे मना नहीं किया? मैंने किया था, लेकिन वो मान ही नहीं रहा, इसरार कर रहा है आपसे मिलने के लिए, बल्कि आज रात को ही मिलना चाहता है, बल्कि अभी। उसको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, वो मौत से डरता नहीं क्या? डैड, वो तो मुझे घर से भगाने के लिए तैयार बैठा है। तो भाग जाओ। क्या बकवास है ये? फिर तुम कहती हो कि आपको बंदूक रखने की क्या जरूरत है? अगर वो मुझे जबरदस्ती ले गया तो? वो शफकत चीमा। बात मेरी गौर से सुनो। इज्जत की खातिर खून बहाना बहादुरों की रिवायत। आने दो उस बुजदिल को। डैड, अगर बुजदिल होता तो यहाँ क्यों आता? तुम फिक्र ना करो बेटी, तुम सलमा की बहन की अमानत हो, मैं तुम्हें विदा करके दम लूंगा, चाहे मुझे जान देनी पड़ जाए या फिर लेनी पड़ जाए।
जी डैड। डैड, ये अम्मी का ही जोड़ा है। तुम मुझे भूल जाओ वासे। मेरी दुआ है कि तुम दोनों को मोहब्बत मिल जाए। तुम नहीं तो तुम्हारी खुशबू के साथ ही रह लूंगा। वैसे अबे कुछ बोलेगा नियरी यार, वो तेरी मोहब्बत को समझ नहीं पाई। मेरी बात मान, भूल जाए इसे। मैं तेरे को बहादुर लड़की से मिलवा दूँ। चल मेरे साथ, भूल जा इसे। प्रॉमिस। चल 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 जल्दी। छोड़ इसे। डार्लिंग, क्यों छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हो, घबरा जाती हो? अरे मैं हूं ना तुम्हारे पास, तो परेशानी की क्या बात? यू नो आई लव यू। आपस में लड़ा मत करो। आई लव यू, आई लव यू। एक आदमी मेरे लिए भी बचा लिया करें। सदियां हो गई मुझे मुआ ना मिला। मुआ पौधे ले जा रहा आपकी मुआ मुआ। प्लीज इरसा, आराम से, नरमी से बात करो। देखो ना, जब से वासे को डिप्रेशन के दौरे पड़ने लगे हैं, कितने हसास हो गए हैं ये। उसे तो मौका मिले डिप्रेस होने का। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, इतने सारे काम पड़े हैं। फिल्म की टिकट्स लानी है, मैं पॉलर में एक्सटेंशंस भी भूल आई हूँ, जाया जाता है। अरे गया था ना, उसने दरवाजा खोला और ना मुंह। और हाँ, ये लेटर आया हुआ है उसका कैनेडियन एम्बेसी से। अब वो कह रहे थे वीजा लग गया उसका। वो
तो इस लड़के के ड्रामे नहीं खत्म होते। थक गई हूँ मैं इसके आगे पीछे फिर फिर के। खाना अपने लिए नहीं खा रहा, मेरे लिए नहीं खा रहा। वासे वासे दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूं। वासे वासे प्लीज दरवाजा खोलो। वासे मरो। भाभी हो कहीं, नौकरानी नहीं हो इस घर की, तुम्हारी नखरे उठाती रहूं मैं। हाय अल्लाह, तुम्हें हमारी सुनी सुनी वहां का बुलाएगा? अरे खुद तो पहुंच जाए। ओ कितना मजा आएगा, लोड शेडिंग से भी जान छूटी हमारी, और मच्छरों से और मक्खियों से और पोल्यूशन से, सीएनजी की लंबी कतारों से। मैं क्या बताती हूँ। वासे वासे देखो, उसकी बातों का बुरा मत मनाना, बीवी है ना, लेकिन प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ सच्ची। माय गॉड वासे, तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त खबर लेकर आई हूँ। वासे दरवाजा खोलो, तुम्हारा कनाडा का वीजा लग गया है। वासे दरवाजा खोलो, इतनी अच्छी खबर लेकर आई हो, तोहफा लिए बगैर तो ये पेपर तुम्हें कभी नहीं दूंगी मैं। वासे 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 मेरी जान, मेरे शहजादे, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ। अब अपनी भाभी की इतनी सी बात भी नहीं मानोगे? प्लीज खाना खा लो ना, जब तक तुम नहीं खाओगे ना मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, तुम्हारे बगैर कैसे खा सकती हूँ खाना। वहां से देखो तुम्हारे भैया ने सिगरेट भी भिजवाए तुम्हारे लिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं ये खाना यहाँ रख के जा रही हूँ, खा लेना। वीजा तो लग गया उसका, लेकिन कमरे से बाहर आएगा तो कनाडा जाएगा ना। वो तो कमरे में बंद क्यों है वो? मुझे लगता है उसकी तबीयत खराब है शायद, खाना भी नहीं खा रहा। तुमने तो कुछ नहीं कह दिया? नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। ओ, इसने कुछ क्यों कहना है उसे? तुमसे झगड़ा तो नहीं हुआ उसका? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अरे ये क्यों झगड़ेगी उसे, और अगर कुछ कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, बड़ी भाभी है उसकी। उम्र में राबिया बड़ी है। उम्र में बड़े होने से कुछ नहीं होता, रिश्ते में बड़े होने से होता है, और ये रिश्ते में उसकी बड़ी भाभी है। अगर तुम उम्र में मुझसे बड़ी ना होती ना तो जवाब देता तुम्हें मैं। तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ मैं। क्या क्या कहा आपने? देखें, जब तक उसकी कनाडा में जॉब पक्की नहीं हो जाती तब तक मैंने और साद ने फैसला किया है कि हम उसे सपोर्ट करेंगे, और फिर उसे कनाडा की शहरियत मिल जाएगी, और वहां जाकर वो हम सबको बारी बारी बुला लेगा और हम सब भी वहां सेटल हो जाएंगे। वैसे दिस इज सो अनफेयर, मेरे टाइम पे पैसे नहीं थे वरना। मेरा तुम्हारे नंबर भी नहीं थे। चलो वासी के तो है ना, लेकिन कनाडा जाने के लिए वो मानेगा नहीं, मिन्नतें करवाएगा हम सबसे और फिर बाद में जताएगा भी। पता नहीं बिला वजह की जिद लगा के बैठा हुआ है, हम आखा यहाँ पे रह के अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। वो कनाडा जाने के लिए कभी राजी नहीं होगा, बड़ी मोहब्बत है उसे अपने मुल्क से। ये तो तुम लोगों के मजबूर करने पर उसने एप्लीकेशन पे दस्तखत कर दिए, वरना वो पाकिस्तान छोड़कर जाने वाला नहीं है। मैं जाऊंगा कनाडा, मैं कनाडा जाऊंगा। ओहो, दरवाजा बंद करके फिर अंदर बंद हो गया। चले कनाडा जाने के लिए हामी तो भरी उसने। यार वासे, तू सच में मुझे छोड़ के कनाडा चले जाएगा? यार मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे रह रहे के उसका ख्याल आता है। यार तू उसकी याद में बर्बाद हो रहा है जिसने तेरे लिए अपने बाप के सामने हार मान ली। वो बाप के सामने खड़ी हो सकती है, बाप की गन के सामने नहीं। तू डरा? तू डरा? नहीं ना। फिर यार उसे प्यार का मतलब ही नहीं पता। वासे बड़े खुश नसीब होती हैं वो लड़कियां जिन्हें लड़के भगाने के लिए उनके बाप के गन्ने टाप के उनके कमरे में जाते हैं। और आज के लड़के छी 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 छी
जहां मुश्किल नजर आई चेंज कर ले लड़की मेरे भाई फौरन सेकंड में। और तू तू बहादुर तू उसके कमरे में जा पहुंचा। अम्मा पे बॉस मैं तो कह रहा हूं अच्छा है कि उसकी शादी तुझसे नहीं हो रही, किसी ऐसे बंदे से हो रही है जिससे वो मोहब्बत ही नहीं करती है यार। पीटेगा मारेगा, होना चाहिए बुजदिल लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। को तुम्हारे बच्चे भी होंगे, कैसे खर्चा उठाओगे वासे का तुम दोनों मिलके? अम्मा बच्चे तो अब कनाडा जाकर ही करेंगे ना। नहीं क्यों अपनी जमा पूंजी जवान लड़के पे लगा रहे हो? भाई है ठीक है मगर वहां जाके अपने अपने नहीं रहते। अरे वहां की तो मट्टी ही बेवफा है, कल को पता चले कानों में आंखों में बालियां लटका के हाय मॉम हाय डैड करता हुआ टैटू ज्यादा भूत बन के आ गया। तो फिर अब तो अम्मी आप उसकी शादी करवा देना। मोहब्बत के वादे में तो बड़ी ताकत होती है। जी जी दीदी आ जाएगी तो भटकेगा भी नहीं शायद। यकीनन यकीनन। वैसे कहते तो तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो मगर इतनी जल्दी लड़की कहाँ से मिलेगी? एक लड़की तो है मेरी नजर में। तुम्हारी बहन? जी अबू जी वो दोनों एक दूसरे से मिल भी चुके हैं हमारी शादी पर। हाँ और आप ये सोचे कि आपका बेटा कनाडा की उन बदनाम गलियों में भटकता फिरेगा इधर से उधर। अब नहीं नहीं वासे ऐसी जगहों पे नहीं जा सकता। देखे अब्बा जी वहाँ जितनी ठंड होती है ना सोच है आपकी। और एक बात और उस ठंड को खत्म करने के लिए ना लोग शराब पी लेते हैं, कहीं वासे ने शराब पी ली और शराब के नशे में तौबा तौबा तौबा। और आपको पता है वहाँ सिर्फ शराब का एक ही तोड़ है और वो है शादी। तीर की तरह सीधा हो जाएगा। आइडिया तो अच्छा है। अच्छा अब्बा जी कमाल आइडिया है कमाल। अच्छा तो उस वक्त होगा जब वासे मानेगा। हाँ वो भी मान जाएगा। वासे भी मान जाएगा अबू जी। अबू जी पहले आप तो मान जाएं। मैं मान भी गया लेकिन तुम्हारी सास? वासे मान गया आप मान गए तो वो भी मान जाएंगी और फिर आप हैं ना उन्हें मनाने के लिए। और वो तुम्हारी बहन फिजा? गजल उसे तो मैं पहले ही मना चुकी हूँ। अच्छा तो फिर मेरी तरफ से भी हाँ। समझो तुम व्यासे को कैसे मनाओ? वो आप मुझ पे छोड़ दें। देख लेना आप मेरी बहन बनेगी मेरे देवर की दुल्हन। तूने शादी के लिए हाँ कर दी? हाँ लेकिन क्यों? ये नहीं पूछे किससे? किससे भाई क्या फर्क पड़ता है किससे? जिससे करनी थी वो तो हो नहीं रही। अभी नहीं पड़ता बाद में पड़ेगा तब क्या करेगा? दुआ करूंगा कि तानिया की दीवी दुआ कबूल हो जाए। तानिया कैसी दुआ? यही कि हम दोनों को मोहब्बत मिले। उसे रिबॉर्न मोहब्बत कहते हैं। जब तुझे मोहब्बत होगी ना तेरा दिल टकरे खाता फिरेगा। गजल मेरी बहन बहुत सादा है। बड़ों की इज्जत करना तो उसने मुझसे सीखी है। अब तुम खुद ही सोच लो। मामा डोंट बी सिली। अच्छा चुप हो जाए। नो नौकरों के साथ उसका सलूक कैसा है? बिल्कुल तुम्हारी तरह एकदम चिल्ड। मेरे चिल्ड पानी में जाओ फ्रिज से लेकर आओ। बीबी जी बिजली नहीं थी। शी लव्स पाकिस्तान। बेकार मुल्क। गुस्सा तो उसे आता ही नहीं है अगर आ जाए तो एक ही घूट में पी जाती है एकदम रिलैक्स्ड। हॉबीज उसकी क्या हैं? योगा योगा। मेरी बहन फिजा को तो अब तुम्हारी तरह हाँ गजलें बहुत पसंद है बहुत।
और बिल्कुल भी बनावटी नहीं है फिजा, बिल्कुल तुम्हारी तरह सादा है। अंग्रेजी तो ऐसे फर फर बोलती है फिजा। इट इज प्लेयर, इट इज अ प्लेयर, इट इज प्लेयर टू मीट यू, यू गॉडनेस्ट। बहुत ही डिसेंट है। आप शायद डिसेंट कहना चाह रही हैं। हाँ वही वही, बल्कि उससे भी ज्यादा। भाभी वो ट्रू लव में यकीन रखती है? I love you आरिफ, I love you, I love you। नाम क्या बताया था तुमने? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं। I love you। I love you too। फिजा से तो मिलके तुम दुनिया ही भूल जाओगे। ओ, अच्छा सुनो, राबिया को नहीं बताना कि तुम फिजा से मिल रहे हो, नजर लग जाती है ना। बिल्कुल बुजदिल। डिलीट, नॉट डिलीट, डिलीट, जस्ट डिलीट। तानिया, रोहन आया है। जी आई। डोंट वरी डोंट वरी। रुहान, जैसे जैसे शादी करीब आती जा रही है, मेरी खुशियां मेरी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं घर छोड़ के जाना भी नहीं चाहता, वो तो कुछ कह ही नहीं रही है। हाँ अलबत्ता शादी की शॉपिंग के लिए जरूर कहेगी, तो तुम दोनों ऐसा करो। हाय रुहान। ए भैया, रुहान कह रहा था कि तुम्हें वो शॉपिंग करवाएगा शादी की, तैयार हो जाओ, क्या घर में बंद रहती हो हर वक्त। आप ही ने तो मुझ पे कर्फ्यू लगा रखा है। मैंने? और कर्फ्यू? भाई अगर इसकी माँ की अमानत की हिफाजत को तुम कर्फ्यू कह रही हो तो ये तो ठीक नहीं है। चलो जाओ, तैयार हो जाओ जाकर। जी। बेचारी माँ को मिस कर रही है, इसलिए थोड़ी बुझी बुझी सी है। मुझे याद आया, एक लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है, अमानत में खयानत करना चाहता है। मेरे सामने तो उसकी जरूरत नहीं आने की, तुम जरा ख्याल रखना। ओ हाँ, 2, 3, 4, 5 लो लंच वगैरह भी कर लें, काफी है। ये तो बहुत हो जाएंगे अंकल। गो एंजॉय योरसेल्फ। इसमें तुम एंजॉय से बढ़ के बहुत कुछ जाएगा। जरा लिमिट में, अभी शादी हुई नहीं है। हाँ डर गया बच्चा। अगर उसे एहसास हो गया कि तुम उससे प्यार नहीं करते तो वो कभी भी हाँ नहीं करेगा। डोंट वरी एप्स, आई लव कैनेडा, इट इज माई फेवरेटेस्ट कंट्री। नहीं, मेरा मतलब है कि उसे एहसास दिलाओ कि तुम उससे प्यार करती हो। देखो मैं तुम्हारी गजलों की सीडी लाई हूँ, ये वासी की फेवरेट है, ये जरूर सुन लेना, राहत उसको बहुत पसंद है। गजल्स आर सो बोर। राबिया भी ना अपनी बहन के चक्रों में लगी हुई होगी। तुम्हें वासे के मिजाज में ऐसे उतरना है कि वो आंख बंद करके तुम पर उंगली रखते। ओह एप्स, आई लाइक कॉम्पिटिशनिंग।
यार इधर किधर जा रही हो? ये तो बड़ा ही बुरा ब्लॉक है यार, उस तरफ बैठो ना, नाइस प्लेस वो देयर, डिजर्टेड सा है भाई। मैं एक्सक्यूज मी वो एक्चुअली इस रेस्टोरेंट के अंदर ये हम दोनों का फेवरेट स्पॉट है। आप दोनों का फेवरेट स्पॉट है? वो एक्चुअली इस रेस्टोरेंट के अंदर ये हमारा फेवरेट स्पॉट है। दैट्स परफेक्टली फाइन, आप लोग बैठे, हम लोग कहीं और बैठ जाते हैं। थैंक यू। सॉरी, ये मेरा फेवरेट स्पॉट है और मैं यहीं बैठी। आप दोनों का? जी हम दोनों का। वेल गेस व्हाट, मेरा एक मसला है कि मैं अगर किसी को बद्दुआ दे दूं ना तो उन दोनों की तो कभी शादी नहीं होती। शादी हो भी जाए तो वो खुश नहीं रहते, खुश रह भी जाए तो मन। आप लोग यहाँ बैठ जाए, हम लोग कहीं और बैठ जाएंगे। थैंक्स रोहन। मुझे पहली डेट पे बद्दुआ सुनने का कोई शौक नहीं। गेट अप। ये डेट नहीं है। ये डेट नहीं है? ये डेट ही नहीं है। ये जो भी है मेरा फेवरेट स्पॉट है और यहाँ पे अगर कोई बैठा ना तो मैं उसका। एक मिनट, एक सोल्यूशन लगाओ। जरूर सोल्यूशन लगाए ना। मुझे एक्चुअली बदुआओं से बहुत डर लगता है। खासतौर पर जब लगती है ना तो बहुत ही बुरी लगती exactly. है। एग्जैक्टली। मोहब्बत अगर न डर हो ना तो बदुआ नहीं लगती। लेकिन अगर बदुआ के हाथ में एक नाली वाली बंदूक हो तो? वैसे कहते हैं कि मोहब्बत जो सच्ची ना हो वो ज्यादा दिन दिलों में जिंदा नहीं रहती। जी नहीं, कहते हैं कि मोहब्बत अगर सच्ची ना हो वो तब होता है जब उसका दिल मरा हुआ। और उस मोहब्बत का क्या करना है जो कि एक दिल से दूसरे दिल के अंदर फौरन ही ट्रांसफर हो जाए? मोहब्बत कैसे ट्रांसफर होगी, क्योंकि मोहब्बत तो डरपोक है, बाथरूम के दरवाजे के पीछे छुपी रहती है। मोहब्बत इसलिए मुकम्मल नहीं होती क्योंकि मोहब्बत को भूख लग जाए, हमको खाना मंगवा ले प्लीज। प्लीज। आपको किससे मोहब्बत है? आई लव गजल। कभी बताया क्यों नहीं कि तुम्हें गजलें पसंद हैं? आपने कभी पूछे ही नहीं। आप किसकी गजलें पसंद हैं? राहत फतेह की। राहत की? शी इज अमेजिंग, क्या गाती है वो। क्या हुआ? अच्छा तो गाती है, क्या हुआ? You know what? वासे को नौकरों से बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार शादी हो जाए उसके बाद या तो वो नौकरों को डांटना शुरू कर देगा या मुझसे डांट खाना। कहता है कि उसे कैसी लड़की चाहिए जो उस गवार को सवार दे। तो मैं हूँ ना, मैं उसे डांटूंगी, बहुत डांटूंगी, सीधा कर दूंगी। पहले कैनेडा की शहरियत ले लो फिर सब कुछ कर लेना। आराम से सीधा रखो, चुप है। नौकरों से तमीज से। आराम से सीधा रखो, चुप है। जाओ जाके हैंकर जाओ। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, कंट्रोल। हाँ तो हम कहाँ थे? वैसे वासिल साहब अजीब सी बात है, कभी मोहब्बत मिलती नहीं है और कभी छप्पड़ फाड़ के मिल जाती है। माशाल्लाह साहब कितने लकी हैं। तोल कर देखा आपने कभी मोहब्बत को? इतना वजन नहीं होता लेकिन काफी महंगी पड़ जाती है, जान के दाम मांग लेती है। जान देकर मोहब्बत पाने वाले अमर हो जाते हैं। तो क्या कब्र में कीड़ों से मोहब्बत करें? सच्चे आशिक कब्र फाड़ के निकल आते हैं। Really? नहीं, I don't believe in this. सच्चे आशिक जीते जी मर जाते हैं। सच्चे आशिक जीते जी मार देते हैं। आपने कभी इश्क किया? करने वाली। और आपने? मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूँ। इनसे? कॉस। You? Thank you.
वैसे काफी चालू किस्म का लड़का लग रहा है मुझे। एक दिन एक लड़की के साथ, फिर दूसरे दिन दूसरी कैफे में दूसरी लड़की के साथ। बड़े बड़ी प्लेबॉय है। तुम अपना फोन उठाओ। हेलो। अच्छा, I'll call you back. Alright, bye. किसका फोन था? मेरे माजी का। रोहन, तुम अब भी तायरा से प्यार करते हो ना? इसका जवाब तुम्हें पता है, जिस तरह मुझे पता है कि वासे अब भी तुमसे प्यार करता है। ये वही लड़का है ना जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था? चलो, एटलीस्ट तुम्हें तो उससे प्यार नहीं है ना? जैसे तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। इट्स ओके, डैड की बंदूक के आगे तो किसी का भी प्यार मिसफायर हो जाता है। चले। राहत फतेह अली मर्द है, पागल लड़की। तो फिर इतना कंफ्यूजन नाम रखने की क्या जरूरत थी? अब क्या होगा? अब कुछ भी नहीं होने वाला है, डोंट वरी। अब फिजा पे कोई फिदा ना हो, ऐसा होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिर भी नेक्स्ट टाइम ऐसे मिलना कि इनकार करना भी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाए। यहाँ है कौन नाकाम में मोहब्बत, मोहब्बत खुद है इनाम मोहब्बत। निगाह शौक थी, दिल भी जुबां भी, उन्हें दे आई पैगाम मोहब्बत। ठिकाने लग गई नाकामियां आज के, वो कहते हैं नाकाम मोहब्बत। फजाए दोहर का एक एक जर्रा मुझे देता है पैगाम मोहब्बत। आप वहां बैठेंगे तो आपको यही आवाज आएगी, कसम उठवा लें मेरे से आप। फरेब आगाज़े उल्फत का ना पूछो, हुआ मुश्किल सर अंजाम मोहब्बत। वाह क्या शायरी है। यही वो शायरी है जिससे आपकी रूह को एक अजीब किस्म की तस्कीन। वासे वासे सुनो, किसी ने मुझे बहुत ही जबरदस्त किस्म का शेर भेजा है। सुनाओ 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 सुनाओ। लोग लंबी लंबी आहें भरते हैं, लोग लंबी लंबी आहें भरते हैं, ये सांवले रंग वाले कौन मुझसे सर। अच्छा लगा एक और। ये तुम्हें पिछला वाला अच्छा लगा ना, ये तो तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। सुनो तो देखो, मिस्त्री का तुक्का लग गया फराज, वरना अलमारी में तो पहले भी थे दराज। अच्छा लगा। मैं आग लगा कर।
जिस चीज से मना करो ना वही करना तुम। कभी लगता था कि वो मुझमें इंटरेस्ट है, और कभी लगता था कि क्या पता नहीं वो कुछ हो सा गया। मुझे लगता है जो लड़की उसकी जिंदगी में थी ना वो अभी तक उसके दिल में घूम रही है। कनाडा घूमना है ना तो उसके जहन से हर उस लड़की को निकाल दो जिसके साथ वो घूम रहा है या घूम चुका है, समझियो। योगा ट्राई कर लिया ना? अब चलो किधर चले? ऐसे खड़ो ऐसे। अच्छा अच्छा मैं खुद खड़ा हो रहा हूँ। हाँ इस तरह से हाथ ऐसे करो, ये लो ऐसे चलो। वासे I'm so sorry, मुझे नहीं पता था तुम इतने नाजुक हो। वो मैं आजकल जिम नहीं जा रहा ना पिछले को 15 साल से। जैसे नहीं है, जाओ यहाँ से। मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं तुम बहुत अच्छी हो, जब मार ना रही हो। लेकिन जो सबसे तुम्हारा गुस्सा है ना वो एक मिनट पैसे से आई है, भूख लगी है। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? मुझे गुस्सा आता है। चंद हफ्ते तुम खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकती। मेरा क्या कसूर है? मुझे तो नहीं पता चला, वो तो करने के बाद पता चला कि मैंने कर दिया। नमाज पढ़नी आती है? ऑफ कोर्स आती है। अब ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो नमाज पढ़ के दुआ करो कि वासे के दिल पे तुम्हारा वीजा लग जाए। वैसे वासे ये बता, तू किस भाभी से शादी करने वाला है? अबे भाभी नहीं, भाभी की बहन से। ओह हाँ सॉरी, ओह किस बहन को मेरी भाभी बनाने का? कोई फर्क नहीं पड़ता, एक से शादी करूंगा तो जहनी मरीज बन जाऊंगा, दूसरी से करूंगा तो अफायज हो जाऊंगा। दोनों से शादी करके मेरी जिंदगी खराब ही होनी है। बेटा शादी के बाद जिंदगी वैसे ही खराब होनी है। नहीं यार ये पता है, तानिया ने मेरी आदतें ही खराब कर दी। तानिया तानिया तानिया, तूने फिर तानिया का नाम लिया। बेटा अब तू गजल गजल या फिजा फिजा बोल, उसने तेरी मोहब्बत को 2 मिनट में ठुकरा दिया। उस दिल लड़की उसको तो मैं दिल बस। अब मैं तानिया के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि गलती मेरी थी यार। रिवाइंड रिवाइंड दोबारा बोल। गलती मेरी थी यार, मैं जब उसके घर गया ना तो आगे से मैं कमरे में था, कमरे के बाहर उसका अब्बा आ गया। अब्बे के हाथ में एक नारी वाली बंदूक थी, वो उस बंदूक से हाथी मार सकता है, मैं तो फिर इंसान हूँ।
फेसबुक से डिलीट कर दिया तानिया। अरे तुम्हारी फ्रेंड्स लिस्ट पे रशीद काला भी है और मैं नहीं हूं। तानिया नहीं। Oh God, I hate this book. या अल्लाह मेरे बच्चे को अच्छी सी दुल्हन देना, या अल्लाह फिजा को इस घर में सजा के भेज देना और इस घर को फिजा के आने से सजा दे। तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होनी, आमीन। या अल्लाह राबिया की बहन गजल। हाँ गजल, गजल को वासे के दिल से सॉक्स की तरह उतार देना। या अल्लाह इरसा की बहन फिजा नाम है उसका। हाँ फिजा, फिजा को वासे से ऐसे नफरत हो जाए जैसे इसे मेरी मूंछों के बालों से है। या अल्लाह वासे गजल से ऐसे भागने लगे जैसे ये नहाने से भागते हैं। या अल्लाह वासे को फिजा बहन जैसी लगने लगे। या अल्लाह फिजा के दिल से कनाडा की तमन्ना ऐसी निकाल दे जैसे इनके दिल से हज की। या अल्लाह गजल के दिल से कनाडा जाने की ख्वाहिश को ऐसे निकाल दे जैसे इसके। ये हो क्या गया तुझे? मौत के फरिश्तों को बुलाने के लिए म्यूजिक सुन रहा है? आज उसकी शादी है दोस्त। किसकी? यार वासे अगर तुझे मरना है ना तो उसके बाप के हाथों से मर, तू अमर हो जाएगा। अमर अपनी बेटी को मार देगा दोस्त। तो अच्छा है ना, पता चलेगा वो तुझसे कितना प्यार करती है। अगर वो तुझसे प्यार करती है तो तेरे बाजू में मरेगी, तेरे लिए अमर हो जाएगी। अबे वो भी मर जाएगी, मैं भी मर जाऊंगा तो फिर प्यार कौन करेगा? मैं तुम दोनों को मरने नहीं दूंगा, उसे भगाने की हिम्मत पैदा कर। है हिम्मत? है हिम्मत? देख यार मेरे साथ वही होने जा रहा है जो मेरे नसीब में लिखा हुआ है, इसलिए मुझे इसी जिंदगी में जिंदा रहने दे दोस्त। वासे, वासे तेरा कुछ नहीं होना, तुझे मौत से बदतर जिंदगी चाहिए, रह यूं मर। जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं होगी यार, मेरे पास तो नया एक्सबॉक्स भी है। सर आज किससे मिल रहे? भाई तुम्हें कौन सी पसंद है? तो सच कहूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे सर। सच बोलोगे तो डबल टिप दूंगा। नहीं सर नहीं, टिप के लिए मैं आपको गलत मशवरा तो नहीं दे सकता ना। अरे खोलकर बोलो, जिससे कहोगे ना तुम उससे शादी कर लूंगा। हेलो। हेलो हाँ। How are you? Good. Waiter, मेरे लिए strawberry juice. Good. और इनके लिए? नहीं मेरे लिए सिर्फ चाय, वो भी बगैर दूध और बगैर पत्ती के, I mean बगैर चीनी के। तुम चाय पियो? मैं सिर्फ चाय ही पीता हूँ। कभी बताया नहीं तुमने? कभी पूछा नहीं तुमने? Which is okay if you didn't ask. I'm happy that you don't care. I mean you don't bother with such stuff. Concerning me. तो बचपन से कराटे का सर, वो आपका फोन है सर। मेरा फोन? जी सर। किसका? सर प्लीज आप आए तो सही। वो सर मैंने आपसे झूठ बोला था, वो फोन नहीं था, वो ऑप्शन नंबर 2 था। ऑप्शन नंबर 2 कहाँ है? वो सर ऑप्शन नंबर 2 ऊपर है। अबे ना कर यार, मजाक कर रहा है ना? तेरी शक्ल से लग रहा तू मजाक नहीं कर रहा,
नंबर वन ऊपर। एक काम करो, तुमने मैडम को बिजी रखना है, ठीक है? मैं टू को संभाल कर आया। अरे फिजा, तुम? वासे, मैंने ना बाहर तुम्हारी गाड़ी देखी। I thought I joined you inside. यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? वो एक्चुअली मैं केक ऑर्डर देने आया था। Will you telling me for who? For you. My goodness, celebrating? हाँ, लेकिन सरप्राइज था, तुमने हमें खराब कर दिया। सरप्राइज तो मुझे तुम्हें यहाँ पर देखकर मिल गया। अब हम ना पूरा दिन टुगेदरनेस में गुजारेंगे, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो आओ ना, नीचे चलकर बैठ। अरे नीचे क्यों नहीं, यहाँ यहाँ बैठेंगे ना। हम यहाँ बैठते हैं, देखो यहाँ पे बैठते हैं हम छुप के, क्योंकि ना वो भाभी कहती है कि नजर लग जाती है। आई नो, देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया। जब तुम अगले महीने कनाडा चले जाओगे ना, तो मैं बहुत ही बोरिंग हो जाऊंगी, बहुत ही बोरिंग। हाँ, बोरिंग तो तुम बहुत हो जाओगी। तो मुझे वहां पर कब बुलाओगे? तुम मुझे प्यार करती हो? ये सवाल वीजा फॉर्म पर पूछते हैं क्या? तुम बाद में बदल तो नहीं जाओगी ना? हमेशा ऐसी रहोगी? Don't worry, मैं कभी भी नहीं बदलूंगी। क्या बात है, very good. मैं मैनेजर से बात करके आया, कहीं तुम्हारे नाम की मिस स्पेलिंग्स ना कर दे। वासे, तुम कहाँ हो? मैं कहाँ? किसकी कॉल थी? मैं एक्चुअली शादी हॉल की बुकिंग कर रहा था। फिर? और इधर किधर जा रही हो? भाई हम नीचे ही बैठे रहेंगे बस। नहीं, नीचे का तो सही नहीं चल रहा। नहीं चल रहा? तुम्हें पता है, मैं अपने घर में भी ऐसे 16 पर चला कर रखती हूँ। तुम्हारे लिए कनाडा की यहीं से तैयारी कर रही हूँ। लेकिन ऊपर गड़बड़ है ना यार। क्या गड़बड़ है? वो ऊपर एक बहुत ही बदतमीज किस्म का बच्चा जो है ना, वो लोगों के हर गिलास में से स्ट्रॉ उठा उठा के बाहर फेंक रहा है। कहाँ है वो बच्चा, मुझे बता। मैं अभी उसकी नाक में स्ट्रॉ डालकर फूंक मारती हूँ। तौबा अस्तगफार, देखो हमने फ्यूचर की बातें करनी है और तुम प्रेजेंट को क्यों खराब कर रही हो? अच्छा ठीक है मैं बैठो ना। हेलो, आप ही? वो तो प्रपोजिंग कर रहा है। हाँ, और उसने केक का भी ऑर्डर दे दिया है। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, बाय। तुम उसे प्यार करती हो? अगर प्यार ना कर रही होती तो कनाडा के लिए शॉपिंग कर करके पागल ना हो रही होती। तुम्हें पता है, स्वेटर्स और जैकेट्स मैंने हर कलर में लिए। हाउ स्वीट, सब कलर्स में। मैंने तो अभी तक एक गरम जुराब तक नहीं खरीदी। हाँ, कोई नहीं, जूस भी हो। मैं एक मिनट जरा आता हूँ, ठीक है? आप कहाँ? वो मैनेजर से बात करनी है ना, वो फंक्शन के मेन्यू की। अच्छा, जाओ, ठीक है। पूरा खत्म करना है तुमको। राधिका को कॉल करती हूँ। पिक इट अप। हेलो राधिका, मिशन अकम्प्लिश्ड। हाँ। अरे हाँ, वो मेरे साथ ही है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, बाय 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 बाय। Thank you.
आप टेंशन ना लें, हमारे पास फर्स्ट एड का सामान मौजूद है। अगर दोनों मुझसे प्यार नहीं करती, शादी कैसे करूं? सर, जो आपसे कम प्यार करता है उससे शादी ना करें। जो कम प्यार करती हो उसी से शादी करनी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वासे, वासे। अंजुम। हेलो, जल्दी बोल बे। हैं? क्या तानी ने जहर खा लिया? I'm sorry, girls, but this ship has sailed. वासे? तानिया? वासे? तानिया? वासे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जिंदा? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं जिंदा हूँ या मर चुकी हूँ? मुझे उसने कहा था कि तुमने जहर पी लिया हुआ है। तो तुम्हें इस बात पे हैरत है कि मैंने जहर पिया या इस बात पे कि मैं मरी नहीं हूँ? तुमने मरना या भाग के मरना? Oh, finally, वासे, finally. I thought you'd never ask. Well, I am asking. और कहाँ है तुम्हारे बाबा? अब मैं डरता हूँ उनसे। जो करना कर ले, I don't care. बुलाओ उनको। बाबा। अच्छा, तुम्हें आज का ही दिन मिला था कि तुम अपने ये सारे गट्स एक साथ जमा करते? क्यों, आज अब्बा बिजी है क्या? मेरी शादी है आज। तुम मुझसे कर रहे हो ना शादी, क्या हो गया? मैं आ तो गया तुम्हारे अब्बा को फेस करने के लिए। अब्बा, अब्बा। अच्छा वासे, रहने दो, यहीं पे हम मर जाएंगे, चलो भाग चलते हैं। सीरियसली? थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारे अब्बा को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। चलें। चलो। हेलो मौलवी साहब, कहाँ आप? हाँ पहुंचे, मेरे घर पहुंचे, इमरजेंसी है भाई। 20 मिनट के अंदर 10,000 का सवाल है आपके लिए। अरे 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 भाई मौलवी आ रहे हैं, शादी करवानी है तुम दोनों की। क्या वासे वहां नहीं आया? अच्छा आए तो उसे कहें कि फौरन अपने घर पे फोन कर। थैंक यू। मैंने कहा था ना आप सबसे कि ये हम सबसे मिन्नतें करवाएगा। अरे मिन्नतें? मैं कहता हूँ नाक रगड़वाएगा, नाक कटवाएगा। ओ, किसकी? वासे मेरी बहन से शादी का वादा कर चुका है। फिजा के लिए तो वो मम्मी का केक भी ले आया था। ओहो, जिस दिन खाऊंगी ना उस दिन यकीन करूंगी। अम्मी आप देख रही हैं, आप गवाह रहे हैं कि वासे ने फिजा से शादी करने का प्रॉमिस किया था। तुम जरा दम लोगी, हमारे यहाँ बैंड बज रही है और तुम्हें ढोल बजाने की पड़ी है। अंजुम को तो फोन करो। जी। हाँ सारी पहुंच गए। हाँ माजदा बेगम भी पहुंच गई है। Don't worry about it. Everything is fine. Hold कीजिए। आइए वाले, please. Yes. अच्छा ठीक है, ओके। बाद में बात करते हैं। अंकल तानिया कहाँ है? कौन से पार्लर चली गई है? बेटा जल्दी आ जाएगी, कोई परेशानी की बात। लड़के वाले हॉल में पहुंच गए, सब बराती भी इंतजार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो तुम जाके उनको अटेंड करो। शाबाश, मैं आता। अस्सलाम वालेकुम। आइए प्लीज।
हाँ सुनो, मैं तुम्हें एक नंबर प्लेट भेज रहा हूं, एड्रेस मालूम करो फौरन। फौलाद खान, फौलाद खान। जी साहब जी। मेरी बंदूक चुपके से गाड़ी में रखवा दो और ड्राइवर से कहो कि गाड़ी बाहर निकाले। अरे अब। जी साहब जी। सुने, वासे को कान से पकड़ के लेके आइएगा, आप दूसरे कान से पकड़ेगा। हाँ ठीक है सर। अच्छा वैसे ये बताएं कि वासे को ढूंढना कहाँ है? यार सोचो, अगर तुम भागते तो कहाँ भागते वाला? काश ऐसा हो सकता, चलें देखते। चेक करेंगे। तो खाली है। गोली डालना भूल गई। प्लीज जो भी करना है जल्दी करें, डैड का फोन आ रहा है बार बार और रोहान ने फोन कर करके भी बैटरी डेड कर दी है। बोलना भाई, बोलना। कुछ भागने के लिए शुरू हो गए, फिनिशिंग नहीं तेरे सामने, जल्दी बोलना। मौली साहब, ये इस तरह घर से भागकर शादी जायज होती है? बिल्कुल बेटा, शादी जायज है, लेकिन अगर माँ बाप की खुशनुदी हासिल हो तो और बेहतर है। क्या रहा? बोलना। आप लोग खाना वाना खाइए। ठीक, ये बाराती जाने नहीं चाहिए, मैं भी आता हूँ। सुनो, तुमने सोचा है कि तुम डैड के सामने क्या कहोगे? क्या कहूँगा अंकल, जान के मान पाऊँ तो अर्ज करूँ? तूने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है नहीं? मगर तूने गन तब भी छीनी है, चाहे पहनी हो या ना पहनी हो। मैं तो पहले ही कह रहा था कि वो ये सब कुछ खुशी से नहीं कर रहा। आजकल के बच्चों को तो माँ बाप की खुशी पूरी करने से ऐसी कोफ्त होती है जैसे आपको बाथरूम में चप्पल पहन के जाने से। छोटी शाख पर ज्यादा बोझ डालोगी ना तो वो टूट जाती है। कहाँ चला गया वो, और वो लड़की कौन थी? कितना उछलेगा ये किस्सा, कितनी बदनामी होगी और मेरी बहन का नाम भी लिया जाएगा। अब तो वासे को उससे शादी करने पड़ेगी, बताए दे रही हूँ मैं। और चाहे मेरी बहन स्कैंडल बन के बैठी रहे। क्यों बैठी रहेगी, उससे तो फौरन लड़का मिल जाएगा। वैसे भी लड़के पटाना तो उसने प्राइमरी से ही सीख लिया था। What nonsense! तुम्हारी बहन को तो लड़के पटाने ही नहीं आते, वो तो कराटे शराटे करके हस्बैंड नहीं हॉस्टेज ढूंढ रही है। अरे कैसे नहीं आते, अभी भी चार पटाए में उसने। एक सेकंड, एक दो तीन चार, चार है वासे को निकाल के। अरे वासे जैसे दस दस मेरी फिजा पे फिदा है। आहा, जब भी तुम्हारी बहन उसके आगे पीछे फिरती रहती है। समझ के नहीं अपने आप को, तुम्हारी बहन को पूरी मार दी थी। इसी बिल में रहता है। चल भाई, कोई नहीं है यहाँ पे, इतना बड़ा ताला लगा है दरवाजे पे। अच्छा भाई 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 भाई, 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 भाई वो आप भी अपनी बीवी से तंग हैं, मैं भी अपनी बीवी से तंग हूँ, क्यों ना हम भाग चलें? हैं? हाँ, वो परांदे वाली याद है कॉलेज में जिसने दिल था आपका? परांदा नहीं, क्या हो गया तुझे? ये पूछे कि मुझे क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ तुझे? मोहब्बत, भाग चले ना। बात सुन मेरी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अपने अपने पौधों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, समझ रही? चुप। हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। झूठ! प्लीज प्लीज, ये
बंदूक की नाली उन्हीं की तरफ रखें। जब तक मेरी बेटी आज रात ही लौटाई नहीं जाएगी, ये बंदूक इसी तरह तनी रहेगी। बंदूक वाले भाई, कसम ले ले, हमें तो पता भी नहीं कि वासे और आपकी बेटी एक दूसरे को जानते भी हैं। फिर झूठ? हम झूठ क्यों बोलेंगे? जब मौत सामने नजर आती है तो बड़े बड़ों के झूठ हिचकियां लेने लग जाती है। ओ भाईजान, अगर हम सच भी बोलेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि हम सच बोल रहे हैं? लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैं सीरियस नहीं हूँ। मुझे लगता है, मुझे भी। आप भी शामिल हो जाएं। चलो चलो, जल्दी करो वरना डैड का मीटर ना फिर जाए कहीं। तुम्हें अगर अभी भी उनका मीटर फिरा हुआ नजर नहीं आता तो तुम्हारा मीटर फिरा हुआ यार। देखो, मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा। ओह गॉड। उठाओ तमाम लोग, अपने अपने मोबाइल यहां रख दिए। टेबल पे करो, जल्दी करो। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? इसको फोन कर रहा हूं। नहीं अभी रुक जाओ, थोड़ी देर, एक मिनट, देखने तो कर क्या रहे। गुड, आपके पास मोबाइल नहीं है? मैं ले गिन लिया। मैं तो समझता था कि डकैत मेरी बेटी का जहेज ले जाएगा, लेकिन वो डकैत मेरी बेटी ले गया। जल्दी बताओ वरना आज रात काफी नई लाशें बनाई जाएंगी। लेकिन इसमें गोलियां तो कम है। चौकीदार की गन। जल्दी बताओ, ये क्या वाकई गोली चला देंगे? रुको रुको, पांच मिनट में बताती हूँ। किसी को इनी मिनी में नाम हुआ था? मुझे आता वासे में आएगा कहां से? सारा दिन और रात तो फेसबुक पे लगी रहती हो तुम। चलो एक काम करो, तुम सब एक दूसरे को नॉमिनेट करो, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो खुश नसीब नहीं होगा। ओह माय गॉड, क्या कर रहे हो वासे? चलो नॉमिनेट करो। नो, तो फिर कलमा पढ़ लो जिस जिसको आता है। दहशत अभी भी बाकी है मेरी। What is this nonsense? क्या चुप रहा है मुझे? वो चुप रहा जो तुम्हारी जान निकाल लेगा। क्या? तुम्हारी जान निकालने वाला आ गया है जानी, तुम्हारा जानी दुश्मन। डर गए? हाँ। तेरी बेटी को वासे ने नहीं, मैंने अगवा किया है। क्या? तेरी बेटी से मैं मोहब्बत करता हूँ। मेरी बेटी किस किस से मोहब्बत करती है? सीधा बता दे मेरी बेटी। वासे कहाँ है? उसको तो मैंने ठिकाने लगा दिया। I mean, ठिकाने पहुंचा दिया वह, लेकिन अब तुम्हें भी ठिकाने लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हें छोड़ती हो तो तुम मुझे ठिकाने लगा दोगे। मरने के लिए तैयार हो क्या? ये क्या बदतमीजी है? मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बेटा नहीं। ये बंदूक, ये वो बंदूक है जो बैंक के बाहर पुलिस वाले लेके बैठते हैं। चलते नहीं है। अगर यकीन नहीं आता, ड्राइवर दबाओ। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। दबाओ, ये चल जाएगी। और अब फोन निकलेगा फिर आपका? चला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अंकल, अंकल, अंकल। हाँ।
चला, बहुत सीनियर बंदूक है ये। सेफ्टी ऑन हुई है, सेफ्टी ऑन नहीं है अब। अब अगर गोली चली तो कुछ नहीं बचेगा। मैं बता रहा हूं गोली लगेगी। मैं पुलिस को फोन करता हूं। बेटा गन उधर कर लो मेरे बच्चे। क्यों अंकल, डर लग रहा है क्या? हाँ कंफर्म। मेरी एक ही बेटी है बेटा, अगर वो नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूँगा? अब डर लग रहा है? एक काम करो, सबसे पहले तो हम सबको जाने दो। एक शर्त पे छोड़ूंगा, पहले बोल आप लोग वासे की शादी तानिया से कराएं। क्या? लेकिन तुम तो कहते थे कि तानिया तुमसे मोहब्बत करती। हाँ लेकिन फिलहाल मैं कुर्बानी देने के मूड में हूँ, क्योंकि तानिया जो है वो असल में वासे से प्यार करती है ना। ये तो तुम्हारा सियासी बयान है बच्चे। अंकल कॉमेडी मत करें। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अपनी बहन से वादा कर। अरे कौन सी बहन, क्या वादा क्या हो गया आपको? मैं इस बंदूक से वादा कर लूँ की आपकी तरफ करके मैं चला दूंगा तो वादा पूरा करूँ? बेटा मैं वादा कैसे तोड़ सकता हूँ? आप समझे कि आपका वादा आसमानों में कैंसिल हो गया? वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। ओह यस, व्हाट अ सेंसिबल मैन। तो बताइए कुछ सोचा? सलाहियत खत्म हो गई है बेटा। मंजूर है ना? ओके। और आप लोगों को मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। आपको? मुझे कबूल है। और आप दोनों? गुड। अच्छा है कि सबको मंजूर है, क्योंकि अब गर्मी के बारे में मेरा हशर हो गया। ओके गुड, इधर आओ ना, इनसे मिलो। अंकल जी। बेटा अंकल आप इतनी जल्दी एंड में कैसे मान गए? ड्रामे का वाइंड अप भी तो करना था, लाइन लगा के मेरे बच्चे। डैड आप खुश है ना?